कुछ कांग्रेसियों के अलावा कोई नहीं पहुंचा लक्ष्मण बाग। मौन व्रत, साफ सफाई करके याद किया राष्ट्रपिता को। लक्ष्मण बाग में राष्ट्रपिता की अस्थियां रखी गई थी। देखिए रीवा दर्शन की यह रिपोर्ट। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन, बापू को याद करने के दावे सब खोखले साबित हुए। रीवा में बापू को तो लोगों ने याद भी किया, लेकिन एकाध जगह को छोड़कर नहीं याद किए गए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री। आइए आपको लेकर चलते हैं रीवा के लक्ष्मण बाग, जहां पर बापू के अस्थि कलश रखे गए थे। यहां का नज़ारा आम दिनों से हटकर थोड़ी देर के लिए नजर आया, जब कुछ कांग्रेसी साफ सफाई करते नजर आए। वहीं आधे घंटे का मौन व्रत रखा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा व महाराजा पुष्पराज सिंह ने। हम आपको बता दें 1915 में लक्ष्मण बाग के इसी मैदान को गांधी संग्रहालय में बदलने की बात कही गई थी। आइए हम आपको दिखाते हैं, काफी तामझाम के साथ आज से 3 साल पूर्व 7 अक्टूबर के दिन इसी जगह पर एक शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास पट्टिका आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। काफ़ी तामझाम के साथ यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ के साथ बापू के एक भव्य संग्रहालय बनाने की बात की गई थी, लेकिन आज से 3 साल बाद आज जबकि 2 अक्टूबर है, आज के दिन भी यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी प्रशासन का अधिकारी नहीं आया। महज चंद कांग्रेसियों ने रस्म अदायगी निभाई, वो काफ़ी अरसे से ये काम करते चले आ रहे हैं। अब देखना है बापू को कब कौन किस तरीके से याद करता है। गलत होने लगी यह विश्व विभूति दुनिया की, भारत से रवाना होने लगी। क्या कहें उस समय को, कोई नहीं धीर बंधैया था। मल्लाह तीन थे किस्ती के, नेहरू अब एक खिवैया था। लेकिन प्रशासन ने केवल काम नक्शे में किया, उद्घाटन किया और वाहवाही ली पेपरों में, लेकिन आज तक यथास्थित बनी है। आज यहाँ भवन गिरने की कगार में है, सामने गिरा हुआ भवन है। यह पुजारी बता रहे थे कि कोई हम इस मलबे को हटाने को तैयार नहीं है। इस सरकार में कोई कुछ होने वाला नहीं है। अभी कुछ समय पहले जब बाढ़ आई थी, तब इस भवन में गांव को भी यानी वो दी गई थी जगह, लेकिन शासन जो है इस जगह में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है कि आए। और बापू का जो अस्थि कलश रखा गया था तो यहाँ पर कुछ करे। महाराज गुलाब सिंह से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। महाराज गुलाब सिंह जी के पास उनका पत्राचार भी हमारे पास रखा है, और जिसमें ये समझ में आता है कि उनके जो समाजवादी विचारधारा थी महाराज गुलाब सिंह की, उसी को वो मानते थे, उसी से वो मोहब्बत भी करते थे। ये जो संस्थान है ये महाराज रघुराज सिंह जी के समय का है। भारत किसानों का भारत, गरीबों का भारत, गांव में रहने वाले लोगों का भारत, भारत में रहने वाले 70% आबादी वाला भारत। हमें वही भारत चाहिए जो जियो और जीने दो की राह पर भारत को चलाता था। एक तरफ गोडसे की विचारधारा है, से आरएसएस का जन्म होकर भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ गांधी जी की विचारधारा से को लेकर खड़ी कांग्रेस पार्टी है। मैं स्वयं उस विचारधारा के उस गिरोह में रह चुका हूँ, तो जिसमें मेरा अंतर्मन हमेशा झिझकोरता था और कहता था कि गिरोह के सिवा कुछ नहीं, इससे गरीब का, गांव का, किसान का भला नहीं हो सकता। रीवा की जनता अंदर से इसको पचा नहीं पा रही है। 2 महीना का बाद समय है, अति और अहंकार चरम में चढ़ चुका है, और अति सर्वत्र वर्जेत और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत जो गीता का श्लोक है, तो वो जरूर परिवर्तन लाता है। 2 महीना बाद सब कुछ सीन बदल जाएगा, और न संदड़िया बचेगा, न ये लुटेरे बचेंगे, और गांधी के सपनों का भारत बनकर रहेगा, और फिर से लक्ष्मण बाग का अस्तित्व वापस आएगा, लूटी गई जमीनें वापस आएंगी, जहाँ कोलों को, गरीबों को बेघर किया गया था, उन सब को वापस उनका सम्मान मिलेगा। भारी तामझाम के साथ एक रूपरेखा तैयार की गई थी, जो महज एक दिखावा ही रह गई। हम आपको बता दें, बापू के अस्थि कलश लक्ष्मण बाग के इसी कमरे में रखे गए थे, जिसे संग्रहालय की जगह पुलिस रेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया गया है।
इस समय हम खड़े हैं रीवा के लक्ष्मण बाग में। यहाँ पर बापू की अस्थि कलश को रखा गया था। जिस हालत में अस्थि कलश लाया गया था और जिस जगह पर रखा गया था, आइए हम आपको उस जगह पर ले चलते हैं। इस समय हम खड़े हैं बापू के अस्थि कलश को जिस जगह पर लाया गया था, उस जगह का हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर किसी ज़माने में बापू की अस्थि कलश रखी जाती है, अब इसको पुलिस कैंप बना दिया गया है। लक्ष्मण बाग की इस जगह पर एक पुलिस कैंप बनाकर यहाँ की देखभाल की जाती है। आज 2 अक्टूबर का दिन है, आज के दिन भी बापू को याद करने यहाँ पर कोई नहीं आया, महज चंद कांग्रेसी ही बापू को याद करने आए।